आज के दौर में धर्म और जाति के नाम पर जमकर राजनीति होती है। लोगों के दिलो दिमाग में नफरत का बीज बोया जाता है। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा के पानीपत में एक ऐसा हिंदू परिवार भी है जो धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों को सद्भावना का पाठ पढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं पानीपत के रहने वाले सहगल परिवार की, जो पिछले 40 वर्षों से एक विरासत को संभाले हुए हैं। राजकुमार सहगल के पास एक ऐसी नायाब कुरान है जो महज 1 इंच लंबी और 3 ग्राम से भी कम वजनी है। सराफा व्यापारी राजकुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि सन 1982 से वो इसे संभाले हुए हैं, और ये कुरान उनके पास कैसे पहुंची, आइए जानते हैं। 1982 उस टाइम अरब से एक शेख आया था मेरे पास दुकान में काम करने के लिए। दुकान तो मैंने बंद कर रखी थी, रात के 10 बजे का टाइम था। खलीफा मस्जिद में है, वो लेके मेरे घर आए। मैंने कहा कल दे दूंगा। वो कह रहा सुबह हमारी फ्लाइट है, हमें दुबई जाना है, अभी बनानी पड़ेगी। तो मैंने काम उनका ये बात मान ली, अपने हाथ से ही पत्ती निकाली, कारण से ही मशीन जाने का टाइम नहीं था। उनको बैठा के 2-3 घंटे मैंने उनको बना कर दी। मेरे को उन्होंने पैसा पूछा कितने पैसे हैं, मैंने इनकार कर दिया। तब उन्होंने कहा तो ऐसा नहीं हो सकता जी। इस कुरान की खासियत ये है कि ये 2.8 मिलीग्राम यानी 3 ग्राम से भी कम वजन की है। इसकी चौड़ाई 0.5 इंच से भी कम है और इसकी लंबाई 1 इंच है। इस कुरान में 572 पन्ने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने छोटे पन्ने होने के बावजूद इसे बिना किसी माइक्रोस्कोप या लेंस के भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। राजकुमार बताते हैं कि इस कुरान को खरीदने के लिए उनके पास बहुत लोग आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस कुरान को अपने आप से दूर नहीं किया। कई बंदे आए मेरे पास, एक 2.5 लाख रुपए मेरे पास रख गया था, एक हफ्ता मेरे पास पड़े रहा। मैंने वापस कर दिया, मेरे पिता ने मना कर दिया बेचने नहीं है। एक कुरान किराने से बंदा था, मुसलमान ही है, वो 5 लाख देने को तैयार हूँ। इसका वजन है 2 ग्राम 800 मिलीग्राम, मतलब 3 ग्राम से भी कम। हाँ जी, ये 1 इंच से कम है। 1 इंच से भी कम है। 572 पन्ने हैं। ये मेरे को पढ़ने आती, मुझे दिखाई देखने आए थे मच्छी से बंदे, उसे उन्होंने कहा फारसी में लिखी हुई है। फारसी भाषा में। हाँ जी। कितना समय हो गया इसकी, कैसे देख रेख कैसे करते हो? ये 1982 मेरे पास है। करीबन 40 साल हो गए लगभग। मैं इसको चांदी की डिब्बी में रखता हूँ, मुझे संभाल के। राजकुमार की पत्नी सुषमा सहगल बताती हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उनका परिवार बहुत बुरे दौर से गुजरा, और उस समय कई लोगों ने इस कुरान को खरीदने के लिए लाखों रुपयों की पेशकश की, लेकिन इन्होंने इसे किसी को भी नहीं दिया। ऐसे हमारी शादी हुई तो उसके बाद मेरे को पता चला भी हमारे पास ये कुरान है, तो मैंने अच्छी तरह इसको संभाला, सेवा करी। फिर बच्चे छोटे छोटे थे, परेशानियाँ काफ़ी आई, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने के कारण फिर बस ऐसे चलती रही परेशानी। तो थोड़े टाइम के बाद हम ठीक हो गए, इनका काम कुम ठीक हो गया। फिर लेने के लिए भी आए थे, काफ़ी लोग लेने के लिए आए थे, हमने दी नहीं है, ऐसे ही निकाला है पूरा समा। और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ठीक हो गए, ठीक होने के बाद फिर दोबारा फिर ऐसे हो गया परेशानी। बेटे की शॉप पे अपना समोहित करके जेवर भी ले गए और काफ़ी नुकसान हुआ। अब हम इतने परेशान हैं बहुत ही ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार खरीदार आया आपने कुरान? हमने नहीं दी, हमने नहीं दी, बस हमारे को दुआएं चाहिए, सब लोग हमारे को दुआएं दो, बस हमारे को कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार सहगल का मानना है कि दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 कुरान है, एक दुबई से आए उन शेखों के पास है, और दूसरी ये जो उन लोगों ने ताबीज बनाने के बदले में राजकुमार को दी थी। खैर, सबसे अहम बात तो ये है कि जिस तरह से राजकुमार सहगल के परिवार ने इस कुरान को 40 सालों से संजोए रखा है और इसमें पूरी मान्यता रखते हैं, वो उन लोगों के लिए सद्भावना की मिसाल पेश करता है जो हमारे देश में धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं। पानीपत से टीवी भारत हरियाणा के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।